और अब बात पटवारी भर्ती परीक्षा के रिजल्ट की, जिसके रोके जाने पर छात्रों का गुस्सा दिखाई दिया, सातवें आसमान पर नजर आया। इंदौर में छात्रों का विरोध प्रदर्शन देखा गया। क्या स्थिति रही और क्यों ये विरोध कर रहे हैं, जरा देखिए। सरकार पटवारियों की नियुक्ति कर रही है तो वहीं दूसरी ओर हजारों युवा इसका विरोध कर रहे हैं। पटवारी भर्ती में शुरू से ही गड़बड़ी का आरोप लगाया जा रहा है। इंदौर में इसी बात पर गुस्साए सैकड़ों युवा सड़क पर उतर आए। सोमवार को इंदौर में छात्रों ने कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन कर नाराजगी जताई। हाथों में तख्तियां लिए छात्र छात्राओं ने यहां धरना दिया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। दरअसल पटवारी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट रोके जाने और परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर ये छात्र गुस्से में हैं। प्रदर्शनकारियों ने पटवारी नियुक्ति प्रक्रिया रोकने की मांग करते हुए पटवारी भर्ती प्रक्रिया की जांच कराने के लिए एसआईटी गठित करने की मांग की है। नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन के नेतृत्व में ये प्रदर्शन हो रहा है। इन छात्रों की ओर से मांग की गई है पटवारी परीक्षाओं की नियुक्ति पर तत्काल रोक लगे, भर्ती की गड़बड़ी में हुई जांच को सार्वजनिक किया जाए, पटवारी परीक्षा घोटाले की नए सिरे से जांच हो, एसआईटी का गठन कर जांच की जाए, नकल विरोधी कानून को तत्काल लागू किया जाए, राज्य सेवा परीक्षा 2024 में पदों की संख्या 500 तक किया जाए, एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के 2000 पदों पर भर्ती की जाए, ओबीसी आरक्षण केस को हल करके 87-13 फॉर्मूला लागू किया जाए, नव नियुक्त कर्मचारियों को 100% वेतन दिया जाए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार को चेताया है कि 2 दिन में मांगे पूरी नहीं होने पर भोपाल में अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू किया जाएगा। हालांकि देखना होगा सरकार की ओर से छात्रों की नाराजगी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। टीम न्यूज़ स्टेट।